अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको दोशिस किचन में और उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। दोशिस किचन थैंक्स करते हैं अपने उन व्यूवर्स को जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इसके साथ ही आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में बड़ा ही मज़े का क्रीमी सा पास्ता बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाइट सॉस बनाएंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बड़ा क्रीमी सा व्हाइट सॉस के साथ पास्ता बनाएंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये है बटर, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक। व्हाइट सॉस में आप डाल के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है इसका। जब थोड़ा सा गार्लिक कुक हो जाए हम डालेंगे उसमें 1 टेबल स्पून के करीब आर्थर पसला। अच्छी तरह से इसको अपने बटर के साथ कर लेंगे थोड़ा सा कुक। इसमें डालेंगे हम दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि जो हमारी व्हाइट सॉस है इसमें लंप ना बने। बस इसमें यही आपको ख्याल रखना है, लंप्स नहीं आपने बनने देने, लंप्स ना बने। ठीक है, क्रीमी सा इसका टेक्सचर आए तो अच्छा होता है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे, मेरे पास वाइट पेपर नहीं है इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ, वरना वो ज़्यादा इसमें अच्छा सा कलर भी आता है और टेस्ट भी देता है। ऑरिगेनो ऐड करेंगे थोड़ा सा, इसको हम साइड पे रखते हैं, पैन रखते हैं। डालेंगे इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल और हम अपने पास्ता के लिए जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें हम ये सॉसेजेस यूज़ करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा सा क्रीमी सा पास्ता बनेगा। सॉसेजेस को हम थोड़ा सा सौते कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा विनेगर डालेंगे अच्छा सा टेस्ट आने के लिए। विनेगर के साथ हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे, तो फिर 1.5 टेबल स्पून डाले मैंने इसमें। इसमें जो चीज़ें डाली हैं उसका जो पानी है, इसमें मैंने जो चीज़ें डाली हैं उसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए तो हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे कैप्सिकम है, ऑलिव है और बेबी कॉर्न है। कैप्सिकम यूज़ करेंगे इसमें, साथ ही में हम ऑलिव को अपने बेबी कॉर्न साल में सब चीज़ों को हम कर लेंगे। स्टर फ्राई ऐड कर रही मैं इसमें रेड चिली, अब हम इसमें ब्रोकली ऐड कर रहे हैं, कैबेज ऐड किए मैंने इसमें। वेजिज हमारी हो रही है, इसमें मैं थोड़ा सा केचप ऐड कर रही हूँ। ऐसा जो रिक्वायर्ड यूज़ करें आप, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया। वेजिज को हम अपने प्लेटर में करते हैं शिफ्ट। पैन में डाल के मैंने व्हाइट सॉस के साथ पास्ता को मिक्स कर लिया, तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। पास्ते पर डालेंगे हम अपनी सॉस, देन ऐड लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड क्रीम। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्रीमी सा पास्ता, आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी, बड़ा ही क्रीमी सा डिलीशियस सा पास्ता बनाया हमने, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। इसके साथ ही दोशिस किचन को इजाजत दें, दुआ में याद रखें, बहुत सा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।